brought to you by ITIL P55 series. इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सीरीज के 3 टेस्ट मैच और बचे हुए हैं और उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान भी हो गया। जब टीम इंडिया सामने आई तो उसमें पता चला कि विराट कोहली जो है वो इस पूरी सीरीज से बाहर हैं। केएल राहुल, रविंद्र जडेजा की वापसी हो गई है, जसप्रीत बुमराह भी टीम में शामिल है, लेकिन एक नाम था जिसको हर कोई ढूंढ रहा था और ईशान किशन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो उस टीम में शामिल नहीं थे। ईशान किशन साउथ अफ्रीका दौरे से वापस आ गए थे, मानसिक स्वास्थ्य का हवाला दिया था उन्होंने और उसके बाद से वो टीम इंडिया में दिखाई नहीं दिए। कोच राहुल द्रविड़ ने एक दफ़ा कहा कि भाई ईशान को अगर सिलेक्शन के लिए उपलब्ध होना है तो उन्हें मैच खेलने पड़ेंगे, वहां पर जाकर वो खेलेंगे तो फिर उसके बाद उनके सिलेक्शन के बारे में विचार किया जाएगा, वो सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ईशान किशन मैच नहीं खेल रहे हैं, झारखंड के लिए वो इस रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। लेकिन इस बीच एक खबर सामने आती है कि ईशान किशन बड़ौदा में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं किरण मौर्य अकेडमी में, और उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं कि भाई वो रणजी ट्रॉफी में क्यों नहीं खेल रहे हैं, प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। तो इस बीच इरफान पठान, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें वो लिखते हैं कि समझ में नहीं आता कि कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए कैसे फिट हो सकता है और जब बात मैच खेलने के लिए आती है तो वहाँ पर फिट नहीं है, ये समझ से परे है। तो जो इरफान पठान का ट्वीट है वो ईशान किशन की तरफ इशारा करता है कि एक खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है बड़ौदा में लेकिन वो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहा है। अगर ईशान किशन रणजी ट्रॉफी में खेलते, वहाँ पर उनके रन होते, परफॉर्मेंस दिखाई देती तो उनका नाम सेलेक्ट किया जाता इस सीरीज़ के लिए बचे हुए 3 टेस्ट मैचों के लिए। क्योंकि अगर हम टीम इंडिया के शेड्यूल की बात करें तो ये सीरीज़ है, उसके बाद IPL होंगे और IPL के बाद वर्ल्ड कप खेला जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ईशान किशन को टीम इंडिया में क्यों नहीं चुना जा रहा है और ईशान किशन टीम इंडिया में कब खेलेंगे, क्योंकि अगर अभी हम देखें टीम इंडिया की स्थिति तो एक बढ़िया विकेट कीपर की जरूरत है। टीम में केएस भरत है लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं आई है, मैच बीत गए उनके भी 2 लेकिन किसी तरीके का ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर सामने नहीं आया। ध्रुव जुरेल एक यंग खिलाड़ी, उनको मौका दिया गया है, वो अपने डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। अब तीसरे टेस्ट मैच में केएस भरत के पास ही वापस टीम इंडिया जाएगी या फिर ध्रुव जुरेल का डेब्यू करा दिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ध्रुव जुरेल के साथ टीम जाती है नहीं जाती ये देखेंगे, लेकिन केएस भरत के साथ भी ये है कि 7 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, अभी उस तरीके का परफॉर्मेंस आया नहीं। बैटिंग वाइज अगर हम उनकी बात करें तो लिमिटेड नज़र आए पिछले वाले मैच में, लगा नहीं उस तरीके से कि वो शॉट्स लगा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, आउट हो गए जल्दी। तो आप नीचे देखते हैं कि भाई हमारे पास अक्षर पटेल हैं, केएस भरत है, आर अश्विन है, उनसे अच्छे रन आ जाएं, और फिर जब आप नीचे लंबे रन नहीं जोड़ पाते हैं तो आपको रविंद्र जडेजा की बहुत कमी महसूस होती है। तो एक विकेट कीपर, बल्लेबाज जो नीचे आके रन बनाए, ईशान किशन वहाँ पर परफेक्ट हो सकते थे लेकिन अब ईशान किशन का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। और इरफान पठान का जो ये ट्वीट है, मौजूदा एक्स पर जो उन्होंने लिखा है उसकी अगर बात करें तो यही इशारा करता है कि ईशान किशन का क्या है भाई, कि वो प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पर मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईशान किशन को झारखंड के लिए रणजी मैच खेलने चाहिए थे, उन्होंने गलती कर दी, मैचेस नहीं खेल के वो स्किप किया तो गलत रहा, ये आपको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ठीक है, टीम मैनेजमेंट को उनसे बात करनी चाहिए और सिलेक्शन कर लेना चाहिए था। तो आप लोगों को जो लगता है कमेंट में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।